दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर जो फ्री में एलिजिबल नहीं है उनका 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके आप ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको पहले यहां पे क्लियर कर लेता हूं, जो कि फ्री योजना में एलिजिबल है उनका आवेदन फ्री में ही करना है, उनका 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके आवेदन बिल्कुल नहीं करना है। जो फ्री योजना में एलिजिबल नहीं है उन्हीं का ये आवेदन करना है। तो फ्री योजना के अंदर जो एनएफएसएधारी है वो एलिजिबल है, इसके अलावा फ्री योजना में एलिजिबल है जो आर्थिक जनगणना 2011 के अंदर जो शामिल परिवार है, इसके अलावा जो संविदा कर्मी है सरकारी विभागों के, इसके अलावा दोस्तों लघु व सीमांत किसान यानी कि एसएमएफ श्रेणी के जो भी किसान है वह सभी इस योजना के अंदर फ्री में एलिजिबल होते हैं। तो उन सभी का आवेदन 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके आपको बिल्कुल नहीं करना है, उनका आवेदन करना है जो इन चारों योजना में एलिजिबल नहीं यानी कि फ्री वाली योजना में एलिजिबल नहीं है, उन्हीं का आवेदन आपको 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से करना है। लेकिन दोस्तों आवेदन से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों आवेदन से पहले जो कस्टमर आपके ई मित्र कियोस्क पे आए उसका जन आधार कार्ड आपको देख लेना है कि पूर्ण रूप से अपडेट है या फिर नहीं। अगर उसका जन आधार कार्ड पूर्ण रूप से अपडेट नहीं है, सही तरीके से बना हुआ नहीं है और आप उसका आवेदन करेंगे तो उसको जो बेनिफिट मिलेगा तो उस समय समस्या आ सकती है। तो पहला काम आपको ये करना है कि उसका जन आधार कार्ड कंप्लीट रूप में अपडेट कर लेना, नाम, जन्म तारीख, मोबाइल फोन नंबर, इसके अलावा कोई भी कमी है तो अपडेट करके रखें, क्योंकि दोस्तों सरकार के द्वारा जो अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है तो उसके अंदर जन आधार कार्ड अपडेट होना अनिवार्य होता है। तो पहले जन आधार कार्ड को अपडेट कर ले, उसके बाद ही दोस्तों आप 850 रुपए का जो प्रीमियम होता है उसका भुगतान करके आप इस योजना में आवेदन करेंगे। तो 850 रुपए का भुगतान करके इस योजना में आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए हमें ई मित्र कियोस्क पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आवेदन के लिए सबसे पहले यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप यूटिलिटी सर्विस टाइप पे क्लिक करेंगे सर्च बॉक्स दिखाई देगा, इसके अंदर आपको टाइप करना है एप्लीकेशन फॉर द मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। जैसे ही आप यहाँ पे ये टाइप करेंगे सर्विस दिखाई देने आपको लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए आवेदन ये वाली सर्विस है इसका चयन कर लेना है। इसका चयन करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप ओके बटन दबाएंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको पेड ऑप्शन लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पेड वाला फॉर्म बता रहा हूँ, तो अदर व पेड का ऑप्शन लेंगे, फिर अदर व पेड का ऑप्शन लेंगे, आई एग्री का लेंगे। उसके बाद दोस्तों जन आधार कार्ड संख्या या फिर जन आधार कार्ड रसीद संख्या दोनों में से एक संख्या आप यहाँ पे डालेंगे, तो ऑप्शन का चयन करेंगे, नंबर डाल देंगे, सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे डिटेल आ जाएगी सर्च बेनिफिशियरी की और ऊपर ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ आएगा ई साइन वाला। उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, आगे ड्रैग करते थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में एन ए आ रहा है तभी आपको यहाँ पे पेड वाला आवेदन करना है, और सेकंड वाले रेड बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, अगर यस आ रहा है तो आपको लघु किसान वाले के अंदर आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे ये डिटेल देख ले, उसके बाद दोस्तों उस सदस्य का साइन करें जो आपके पास आवेदन करवाने आया है, तो उसके ई साइन करने होंगे, तो ई साइन पे क्लिक करेंगे, फिर ई साइन सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, उसके फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे या फिर ओटीपी भेज के आप उसका सत्यापन कर लेंगे, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसके माध्यम से आप इसका सत्यापन कर लेंगे। एक बार सत्यापन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इस प्रकार की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद पे फॉर द पॉलिसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप पे फॉर पॉलिसी पे क्लिक करेंगे आपके ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे 880 रुपए का टोकन कट जाएगा, 850 रुपए इसका प्रीमियम है और 30 रुपए आपका जो कमीशन है, तो 30 रुपए में से आपको 25 रुपए का कमीशन दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, 25.42 रुपए का कमीशन किया दिया जाएगा और 4.57 यहाँ पे जो सर्विस टैक्स आपका यहाँ पे काटा जाएगा। तो ये आपको समझना है, 30 रुपए का इसका टोकन है अतिरिक्त जो आपके ई मित्र कियोस्क के लिए है, उसमें से 25.42 आपको मिलेंगे। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रिंट पॉलिसी का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके प्रिंट पॉलिसी पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे और आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा।